दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि सिर्फ तीन तरह के लोग वेस्टिज को और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, पर इनमें से कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लंबे समय तक टिक पाते हैं और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खूब पैसा कमाते हैं, और वो क्या कारण है कि 95% लोग MLM और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो करते हैं पर बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो आज आपको उसी के बारे में जानकारी मिलने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। सो तीन तरह के लोग वेस्टेज में एंटर करते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि कौन लोग वेस्टेज ज्वाइन करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि कितने लोग ऐसे हैं जो वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं। तो तीन तरह के लोग मेरी नजर में वेस्टेज ज्वाइन करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज संडे BOP के अंदर 6,500-7,000 लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये सब नए लोग हैं, ये सब बिगिनर्स लोग हैं, ये सीखना चाहते हैं कि कैसे वेस्टेज उनकी जिंदगी को बदल सकता है। तीन तरह के लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं, साथ दीजिएगा मेरा। सबसे पहला पोजर्स। पोजर्स वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को या किसी भी बिजनेस को एक लॉटरी के टिकट की तरह सोचते हैं। बात नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, उनको लगता है कि एक लॉटरी का टिकट है कि भाटिया जी की चल गई है तो मेरी भी चल जाएगी, शर्मा जी की चल गई है तो मेरी भी चल जाएगी, उसकी लॉटरी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी, उसने मर्सिडीज खरीदा है तो मैं भी खरीद लूंगा। उनको लगता है लॉटरी का टिकट है। ये लॉटरी का टिकट नहीं है मेरे दोस्त, मेहनत का काम है, बाइंग हैबिट चेंज करने का काम है, साल दो साल देने का काम है। लेकिन पोजर्स बहुत सारे लोगों को कामयाब होता देखते हैं, उनको लगता है ये कामयाब हो गया है तो मैं भी हो जाऊंगा। लॉटरी का टिकट नहीं है। पहले तरह का आदमी वो इस बिजनेस में आता है। तो हर रोज न जाने कितने लोग वेस्टिज या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग टिक पाते हैं। उसका यही कारण है कि वो जो बिजनेस है इसको लॉटरी का टिकट समझते हैं कि भाई उसने कमा लिया तो मैं भी कमा लूँगा, बट उसके पीछे की जो मेहनत है, जो उसने समय दिया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, नॉलेज बढ़ाया है, स्किल्स बढ़ाई है, वो नहीं दिखता, उसकी वो मेहनत नहीं दिखती। बस उनको लगता है कि वो पैसा कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, तो इतना ईजी नहीं होता सारी चीज़ें। तो जो पोजर्स होते हैं उनकी यही सोच होती है, और इसी कारण से वो वेस्टिज को ज्वाइन तो कर लेते हैं पर टिक नहीं पाते, मतलब कि वो कामयाब नहीं हो पाते। तो उनको सबसे पहले अपनी सोच थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। दूसरी तरह का कौन सा आदमी आता है जिसको मैं मैच्योर बोलता हूं, जिसको लगता है कि लॉटरी का टिकट तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। उसको ये बात उसके जहन में है कि लॉटरी का टिकट तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। अब वो सोचता क्या है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उसका क्या काम है। उसको लगता है मेरा काम यह है कि मैं 3-4 बढ़िया लोगों को जोड़ दूं। एक सुरेश को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक रमेश को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक मामा जी के बेटे को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक अगर पंकज जुड़ जाए तो वाह, ये 3-4 लोग बढ़िया जुड़ जाएं, ये लोगों को जोड़ देंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। उसको लगता है ये काम है। तो दो तरह के लोग आते हैं, पहले पोजर्स जिनको लगता है लॉटरी का टिकट है, दूसरा एमेच्योर्स जिनको लगता है 3-4-5 बढ़िया लोग जोड़ दूं वो काम करेंगे और मैं धन कमाऊंगा, बेपनाह संपत्ति अर्जित करूंगा। साथियों ये दोनों तरह के लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसके साथ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका काम रहता है लोगों को जोड़ना, और ये उनकी जो सोच रहती है वो ये रहती है कि 10 लोगों को ज्वाइन करवा लूँ और वो काम करेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इनको ये तो पता होता है कि भाई काम करने पर पैसा आता है, पर ये नहीं सोचते कि हमें अपने इस खुद की स्किल्स, खुद का टैलेंट, खुद पर काम कर खुद का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो वो उसकी जगह ये सोचते हैं कि हम 10-20 लोगों को ज्वाइन करवा लें, वो काम करेंगे और हम पैसा कमाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। इमेच्योर जो लोग होते हैं उनको लगता है कि 10-15-20-50 लोगों को ज्वाइन करवा लें, वो काम करेंगे, मैं पैसा कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पर आपको समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है। और ऑब्जेक्शन जो आते हैं, जो लोग रेस करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे लड़कर आगे आपको बढ़ना पड़ता है। तीसरी तरह का व्यक्ति इस बिजनेस में झंडे गाड़ देता है, जिसको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल, जिसको अच्छे से पता होता है कि ये 2-3 साल देने का बिजनेस है, जिसको पता है कि मुझे 2-3 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कोई भी बिजनेस 2-3 साल पहले रिटर्न नहीं देता है।
आपको ट्वेल्थ करने में कितने साल लगे जानते हैं? मैंने किसी से पूछा आपको ट्वेल्थ करने में कितने साल लगे, तो बोला एक। मैंने बोला एक नहीं, आपको बारहवीं करने में 12 साल लगे। 12 साल की मेहनत, 12 साल का डिसिप्लिन, सुबह से रात तक, शाम तक, दोपहर तक का स्कूल, एवरीडे स्कूल, 12 साल, तब 12वीं पास हुई। तो 12वीं करने में भी 12 साल लगे, और 12वीं करने के बाद आपको क्या 1 लाख रुपए की नौकरी लगती है, 50,000 की लगती है? तो प्रोफेशनल को बात अच्छे से पता है कि कम से कम 2 से 3 साल मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अ डॉक्टर बिकम डॉक्टर आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अ इंजीनियर बिकम्स एन इंजीनियर आफ्टर 4 to 5 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एक सीए को सीए करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं साथियों। एक एमबीए व्यक्ति को एमबीए करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक आईसीडब्ल्यू व्यक्ति को आईसीडब्ल्यू करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक फैशन डिजाइनर को फैशन डिजाइनिंग करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए जो स्कूल में के बाद बच्चे करते हैं, उसका ड्यूरेशन 2 to 3 ईयर्स मिनिमम है, वो भी तब जब आप ईमानदारी के साथ 2-3 साल पढ़ाई करें, उसके बाद आप पैसा बनाना शुरू करते हैं। और प्रोफेशनल को ये बात अच्छे से पता है कि सीख के ही होगा। एक डॉक्टर, तो यहाँ पर सर का कहना है कि आपको सबसे पहले इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सब चीज पर ध्यान देते हैं, पर एक चीज को भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमें काम कैसे करना है। उनको लगता है कि बस 10-15-20-50 लोगों को ज्वाइन कर लो और उनसे प्रोडक्ट खरीदवा लो और हमारी लॉटरी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। किसी भी बिजनेस में जाने से पहले आपको उसके डू डोंट्स सीखना पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो बेसिक स्किल्स होती है वो आपको सीखनी पड़ती है कि लोगों से कैसे बात करें, और वो जब ऑब्जेक्ट करें, कोई चीज़ को मना करें, तो उनसे हमें कैसे वार्तालाप करना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये वो लोग सीखते नहीं, डायरेक्ट फील्ड में उतर कर पैसा पैसा करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहता है कि वो फेल हो जाते हैं। अरे भाई, ये जो बिज़नेस है ये बिज़नेस 2 से 3 साल देने का बिज़नेस है। 2 से 3 साल आप मेहनत करिए, अब जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ करिए। ऐसा नहीं है कि बस इसमें उतर जाना है और जीवन में कुछ भी नहीं करना। डॉक्टर लॉयर का काम नहीं कर सकता, एक लॉयर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, सीखना होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो सीखना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि मैं तो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हूं, मैं तो कर ही लूंगा। उनको लगता है मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो कर ही लूंगा। उनको लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमा रखा है, मुझे बड़ी नॉलेज है, मैं तो कर ही लूंगा। आपको आपके फील्ड की नॉलेज हो सकती है मेरे दोस्त, ये फील्ड आपके लिए नया है। रोनाल्डो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बढ़िया फुटबॉलर हैं, क्या वो क्रिकेट ग्राउंड में जाके छक्का मार सकते हैं? तो जवाब है नहीं। वो दुनिया के सबसे महान प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन अपनी फील्ड में। अब साइना नेहवाल को आप कुश्ती लड़ाएंगी तो क्या होगा? साइना नेहवाल क्या कुश्ती लड़ सकती है? वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं, कुश्ती के नहीं। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं साथियों, नई फील्ड का काम आपको सीखना होगा। प्रॉब्लम क्या रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को लगता है जोड़ने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है, सीख के जोड़ने का बिजनेस है। तो पहली वाली क्लास जब आप बंक मारेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले वाली क्लास बंक नहीं मारना है, सीख के करना है। आप सीधा प्रोफेशनल बन के काम करें, पहले सीखें फिर करें। इस वीडियो में सर ने बहुत ही शानदार जानकारी दी है कि आप अपने फील्ड में मास्टर हो सकते हो, पर अगर आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट करी है तो वहाँ पर आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने चीज़ सीख ली, आपने सीख लिया कि भाई गाड़ी में ऐसे गियर डालते हैं, ऐसे चलाते हैं, बट आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप कभी भी उसको ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार अगर आप बिज़नेस ज्वाइन करते हो और उसकी जो ट्रिक्स हैं वो सीख लेते हो, हर रोज़ उसको अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, आपका सीखना और नहीं सीखना बराबर हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, खुद का स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद इस बिजनेस में आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इमेच्योर और नो सीखियो का खेल नहीं है। इसको अगर आपको खेलना है तो इसको बिजनेस समझो और प्रोफेशनल बनो। सबसे पहले इस बिजनेस को सीखो और फिर करो,
और बस यही कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं और उसके बाद वो गलती दूसरों पर निकालते हैं, पर असल में गलती उनकी खुद की होती है।